हम मैग्नेटिक फील्ड तक पढ़ चुके थे। हमने मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ लिया था, एंड प्रॉपर्टीज जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की, वो सब हमने देख ली थी। एंड देन वी सेड नाउ फाइनली वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स आर मेन टॉपिक, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने हैं अब फाइनली। एज वी सेड, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये चीज पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये चीज पढ़ रखी है। नाउ सिमिलरली वी वॉन्ट टू एनालाइज, वी वॉन्ट टू स्टडी कि इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं, वो सब हम देख चुके हैं। सो नाउ आर टारगेट इज टू एनालाइज, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो अगेन अगर हम ये चीज बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, तो हमने बता रखा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो हम कोई आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसमें से कोई मटेरियल लेकर आए, हम आयरन फाइलिंग्स रखें उस वायर के पास या उस ऑब्जेक्ट के पास जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। द सेकेंड मेथड इज, सेकेंड ऑप्शन इज कि हम एक कंपस लेकर आए। हमने बता रखा है कि कंपस नीडल जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। ठीक है, सो वी कैन यूज ईदर ऑफ द टू मेथड्स एंड वी विल सी दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट्स, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने लगता है। सो वी कैन ट्राई बोथ द एक्सपेरिमेंट्स। हम पहले सपोज पहले हम आयरन फाइलिंग्स लेकर और फिर इस एक्सपेरिमेंट को करें।
सपोज इस तरह का हमने एक सिंपल सा सेटअप बनाया है, वी हैव अ बैटरी जिसको हमने एक थिक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, देयर इज अ बैटरी, देयर इज अ स्विच की, और ये एक थिक वायर हमने ले लिया है कॉपर का या किसी भी मेटल का, देयर इज अ थिक वायर। हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया, हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया जैसा हमने बार मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, हमने एक कार्डबोर्ड लिया था उसके ऊपर बार मैग्नेट रख दिया था, फिर हमने उस बार उस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर दी थी, ठीक है, और फिर उस कार्डबोर्ड को हल्का सा टैप करने पे हमने देखा था कि वो आयरन फाइलिंग्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसी तरह से अगर हम इस कार्डबोर्ड पे भी आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर दें, हम जगह जगह आयरन फाइलिंग्स डाल दें इस कार्डबोर्ड पे, और फिर हम इस की को क्लोज कर दें, ठीक है, क्या प्रोसेस कर रहे हैं हम? पहले तो हमने ये सेटअप कर दिया पूरा, फिर हम इस कार्डबोर्ड पर आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर दें, ठीक है, फर्स्ट वी स्प्रेड आयरन फाइलिंग्स ऑन दिस कार्डबोर्ड, देन वी क्लोज द की और वी क्लोज द स्विच, हम उस स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और फिर वही हम करते हैं, हम यहां पे इस कार्डबोर्ड को हल्का सा टैप करते हैं, ठीक है, हम जेंटली स्लाइटली उस कार्डबोर्ड को टैप करते हैं। व्हाट वी सी इज अगेन अ न्यू पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आयरन फाइलिंग, सारी आयरन फाइलिंग जो है उनको हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हुआ हुआ देखेंगे। अगर हम इसका टॉप व्यू बनाए, अगर हम ऊपर से देखेंगे, then we'll see that all the iron filings all the iron filings arrange automatically in such a manner, okay, they automatically arrange themselves in concentric circles, ठीक है, ये iron filings जो है अपने आप को concentric circles में arrange कर लेती हैं। All the iron filings arrange themselves in such a concentric circle. ठीक है, पूरा प्रोसेस एक बार हम फिर से समझ लें, क्या किया हमने? हमने पहले एक सेटअप किया है, ठीक है, जिसमें एक बैटरी है, एक स्विच है और एक थिक वायर, एक कॉपर वायर हमने ले लिया है, फिर उस कॉपर वायर को जो एक कार्डबोर्ड से पास करवा दिया है, मतलब वायर इस तरह से जा रहा है, कार्डबोर्ड यूं रखा हुआ है इस तरह से उसके परपेंडिकुलर, उस कार्डबोर्ड से उस कॉपर वायर को पास करवा दिया, तो ये कार्डबोर्ड में बीच में एक छोटा सा होल करके हमने उससे कॉपर वायर पास करवा दिया, देन व्हाट वी डू, हम उस कार्डबोर्ड पर जगह जगह पर जो आयरन फाइलिंग्स है वो स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम इस स्विच को बंद करते हैं, वी क्लोज द स्विच एंड देन वी जेंटली स्लाइटली टैप द कार्डबोर्ड, उसको हम हल्का सा टैप करते हैं एंड व्हाट वी सी इज दिस पैटर्न, हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है, जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती हैं। The iron filings arrange in such a pattern. इस pattern में arrange हो जाती है, ठीक है। Now हमने
बार मैग्नेट में एक चीज देखी थी, हमने कंक्लूड की थी कि जिस भी तरह से ये आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो जाती हैं, अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, एक्चुअल में वही मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसका पैटर्न होता है। जैसे हमने बार मैग्नेट में जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो पैटर्न बनाया था आयरन फाइलिंग्स का, फिर हमने कंपास को यूज करके ये चीज देख ली थी और कंक्लूड कर दी थी दैट द अरेंजमेंट ऑफ आयरन फाइलिंग्स इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हम यहां पे जो दूसरा मेथड है वो अगर यूज करें, अगर हम एक बाहर मैग्नेट लेकर और फिर प्लॉट करना स्टार्ट करें तो भी हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा, इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, हम यहां पर इस कार्डबोर्ड पर या एक प्लेन पेपर को लेकर एक प्लेन पेपर लेके हम इस वायर के परपेंडिकुलर रख दें, ठीक है, और फिर हम अलग अलग जगह पर वो एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए एक कंपास रखते जाए और हम डायरेक्शंस चेक करते जाए। ठीक है, एक पॉइंट से हम स्टार्ट करके कंपास को प्लेस करते जाए और फिर अलग अलग जगह पर इस तरह से हम कंपास की नीडल की डायरेक्शन चेक करते जाए। यही वाला केस हमने लिया है और इसमें जो आयरन फाइलिंग्स थी उसके जगह पर अब हम ये कंपास नीडल लेकर एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल ऐसी, यहां पर बैटरी थी तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी इस तरह से, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, सो सिमिलरली यहां पर भी अगर हम इस तरह से करंट सप्लाई करें वायर में, वही मैकेनिज्म यूज करके, वही सेटअप यूज करके, और फिर इस कंपास को इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पर रखते जाए और उसका फील्ड का एनालिसिस करते जाए तो हमें एक पैटर्न दिखेगा जो कि अगेन उसी तरह का होगा जैसा हमें यहां पर आयरन फाइलिंग्स का दिख रहा है। ठीक है, दिस विल बी अ सर्क्यूलर पैटर्न, जो पैटर्न हमें दिखेगा वो सर्क्यूलर ही दिखेगा। ठीक है, नाउ ये चीज तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से हमने कंक्लूड कर दी, हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं दैट द इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग इन द वायर, इस वायर में जो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इट इज डेफिनेटली प्रोड्यूसिंग सम मैग्नेटिक इफेक्ट्स, यहां पर डेफिनेटली कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वरना ये कंपास नीडल हमेशा जिस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है वैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती रहती। ठीक है, इट वुड नॉट हैव चेंज्ड इट्स डायरेक्शन, नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है वो डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होती। सो डेफिनेटली फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक करंट
डेफिनेटली शोज मैग्नेटिक इफेक्ट्स. मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता ही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो एस्पेक्ट आता है, फिर हम ये डिटरमाइन करना चाहेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस तरह से वेरी कर रही है, किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है. जैसे हमने बाहर मैग्नेट के लिए कहा कि जितना स्ट्रांग मैग्नेट होगा उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी. पोल्स पर यदि हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगेस्ट होगी. ठीक है. पोल्स से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी. हम मैग्नेट से जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी, एंड सो ऑन. सिमिलरली अब हमें यहां भी वही एनालिसिस करने है, दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स डज दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, किन फैक्टर्स पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है और उन फैक्टर्स के बदलने पर किस तरह से वेरी करती है. ठीक है. तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग, द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हम अब देखते हैं. ठीक है. सबसे सिंपल केस जो है वो यही हम लेते हैं. दैट मीन्स द कंडक्टर, द वायर इज अ स्ट्रेट वायर. एक स्ट्रेट वायर के लिए हम सबसे पहले ये एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रही है. सो हाउ डू वी डू दिस एनालिसिस, हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं. अगेन हम कंपस का ही यूज करेंगे. हम कंपस को यूज करके अलग अलग चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रही है. ठीक है. सो व्हाट वी डू इज हम ये कंपस जो है वो एक जगह पर फिक्स कर देते हैं और फिर बाकी सेटअप में जो है चेंजेस करते रहते हैं. ठीक है. पहले हम क्या कर रहे थे, कंपास को अलग अलग जगह पर ले जा रहे थे टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, टू चेक द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रही है वो देखने के लिए हम कंपास को अलग अलग जगह पर ले जा रहे थे. नाउ व्हाट डू इज हम इसी सेटअप में कंपास को तो एक फिक्स्ड जगह पर रख देते हैं. ठीक है. हमने कंपास को एक फिक्स जगह पर रख दिया, लेकिन हम जो सेटअप है हमारा उसमें तरह तरह से जो फैक्टर्स है उनको बदलते रहते हैं. ठीक है. वी चेंज, वी कीप ऑन चेंजिंग द फैक्टर्स इन दिस सेटअप. तो सेटअप हमारा यही रहेगा, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही.
ठीक है. सो द सेटअप इज सेम, हम सेटअप वही की वही ले रहे हैं. और इस सेटअप में हम तरह तरह के वेरिएशंस अब करना चाहते हैं. हम इस सेटअप में अब कुछ वेरिएशंस करना चाहते हैं, कुछ चीजें जो है चेंज करके देखना चाहते हैं कि क्या हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं यहां पे, सबसे पहला वेरिएशन चेंज जो हम करते हैं, हम एक ये काम करके देखते हैं कि हम अगर करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, उसकी वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलता है. फर्स्ट फैक्टर दैट वी स्टडी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. The magnitude or the strength of electric current in the wire. Wire में electric current कितना flow कर रहा है, वो factor हम सबसे पहले analyze करते हैं. ठीक है. Now, as soon as we change the electric current, what we see, हम electric current सबसे पहली बात तो कैसे बदल सकते हैं, हम batteries चेंज कर सकते हैं. हमने 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई, हम 3 वोल्ट की बैटरी लगा दें. वी नो दैट वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय ओम्स लॉ. तो अगर हमने वोल्टेज डबल कर दिया, अगर हमने बैटरी का वोल्टेज डबल कर दिया तो करंट अपने आप ही डबल हो जाएगा. अगर हमने हाफ कर दिया तो करंट हाफ हो जाएगा, एंड सो ऑन. ठीक है. सो व्हाट वी सी इज एज सून एज वी चेंज the amount of current flowing in the circuit in the wire, तो जो compass है उसके deflection के magnitude में हमें change दिखने लगता है. That means अगर पहले जो switch on करने पे current में हम compass में हमें 10 degree का deflection अगर दिख रहा था, तो current double करने पे वो deflection हमें ज्यादा दिखने लगता है. ठीक है. the deflection इन द कंपस इज सीन मोर, जो कंपस में डिफ्लेक्शन है वो हम देखते हैं कि बढ़ने लगता है, ज्यादा होने लगता है. ठीक है. दिस शोज वॉट, ये हमें क्या चीज बता रहा है, दैट डेफिनेटली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज्ड. जैसे ही हमने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डेफिनेटली बढ़ी होगी, इंक्रीज करी होगी, तभी जो है कंपस में डिफ्लेक्शन एकदम से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. ठीक है. सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट डिफ्लेक्शन ऑफ कंपस नीडल increases on increasing current. Deflection of compass needle increases on increasing current. What does this imply? This implies, or we can say this shows that, or this proves that, can observe from this that the
the magnetic field, the strength of magnetic field increases on increasing current. ठीक है. Now अभी जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑन अ वेरी बेसिक लेवल. इसमें हम कैलकुलेशंस नहीं देखते हैं कुछ, हम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही इस चैप्टर का पढ़ते हैं. ठीक है. बट वंस वी स्टडी दिस चैप्टर अगेन इन क्लास 12th, तब हम इसमें फॉर्मूलेज भी देखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली कैलकुलेट की जाती है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. हाउ डू वी रिपोर्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन, उसकी यूनिट्स क्या होती है, एवरीथिंग. सो वहां पर जाके फिर हम इस चीज को पढ़ते हैं दैट एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर. ठीक है. ये चीज हम आगे जाके पढ़ते हैं. यहां पर भी हम इस चीज को ऑल दो नोट जरूर करके रखें. ठीक है. दिस the magnetic field produced is directly proportional, the magnetic field produced is directly proportional to the current flowing in the wire, to the current flowing in the wire. Field produced is directly proportional to the current flowing in the wire. ठीक है. Directly proportional का क्या meaning होता है? It simply means that if we double the current, the magnetic field will also get doubled. If we half the current or we reduce it to 1/4, then the magnetic field will also get reduced to 1/4. ठीक है. This is what direct proportionality means. जहां पर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हम बोल रहे हैं तो उसका ये मीनिंग होता है. डबल किया तो डबल हो जाएगा, 5 times किया 5 times हो जाएगा. ठीक है. 10% कम कर दिया तो वो भी 10% कम हो जाएगी एंड सो ऑन. ठीक है. द सेकेंड फैक्टर विच वी चेक विच वी चेंज इज हम इस कंपास को इस वायर से दूर ले जाते हैं, धीरे धीरे करके हम उसको दूर ले जाते हैं. ठीक है. That means the distance from wire. The distance from wire. क्या कर रहे हैं यहां पे? हम कंपास को इस वायर से धीरे धीरे दूर ले जा रहे हैं. ठीक है. हम उसको धीरे धीरे दूर ले जाएंगे. देन व्हाट वी सी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट. हम अगर एक फिक्स्ड डायरेक्शन में उसको दूर ले जाते रहे तो हम देखेंगे डिफ्लेक्शन जो है कंपास नीडल में वो डिक्रीज करने लगेगा. ठीक है. डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, डिफ्लेक्शन कंपास नीडल डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस. डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल decreases as its distance from wire increases.
वॉट डज दिस मीन, इसको जब हम अगेन एनालाइज करते हैं, इस पे जब कैलकुलेशंस करते हैं, देन वॉट वी सी इज दैट देर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस. यहां पर ये जो डिस्टेंस के साथ हम रिलेशनशिप बता रहे हैं, देर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, सो जैसे हमने पिछला पॉइंट लिखा उसी तरह से हम इस पॉइंट को लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, टू द डिस्टेंस फ्रॉम वायर, टू द डिस्टेंस फ्रॉम वायर एट विच फील्ड इज बींग ऑब्जर्व्ड. ठीक है, अगेन इसका इंटरप्रिटेशन, इसका मीनिंग क्या है, दैट इफ वी डबल द डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हाफ, इफ वी ट्रिपल द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वन थर्ड, इफ वी हाफ द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड गेट्स डबल्ड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप. इस चीज को हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं. एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाती है. देन द थर्ड फैक्टर विच वी सी, थर्ड फैक्टर जो हम देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट. The direction of current. Right. Direction of current हम कैसे बदल सकते हैं? Again, इस चीज को ध्यान से देखें, समझे. अभी क्या है, direction of current नीचे की तरफ है. अगर हम चाहें कि करंट जो है ऊपर की तरफ जाए, और फिर ऐसा करने से क्या चेंज होता है वो हम देखना चाहें, सो व्हाट वी कैन डू, यहां पर हमने जो बैटरी लगाई थी उसके टर्मिनल्स हम रिवर्स कर दें. ठीक है, जो बैटरी हमने कनेक्ट की थी उसके टर्मिनल्स हम रिवर्स कर दें, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाएगी, वो अपवर्ड हो जाएगी. Now, as soon as we do this, जैसे ही हम ये direction reverse करते हैं, ठीक है, compass को वहीं रहने दिया, सिर्फ current की direction change कर दी. What we see is that the direction of deflection of the compass needle changes, but the magnitude remains same. मतलब अगर compass needle बिना magnetic field के इस direction में थी, ठीक है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने पर हमें इधर डिफ्लेक्शन दिखा, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करने पर इधर दिखा. एक बार वो क्लॉकवाइज 30 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई, एक बार वो एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई. सो व्हाट वी कंक्लूड इज दैट सिंपली द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस, और वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस. जिस डायरेक्शन में पहले मैग्नेटिक फील्ड थी उसी के एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हमें मिलने लगती है. ठीक है, सो वील से दैट हम इसको शो किस तरह से कर सकते हैं कि पहले अगर कंपास नीडल इस तरह से ऊपर की तरफ थी, तो ऑन चेंजिंग direction, on changing direction, ये compass needle जो है इस तरह से नीचे की तरफ
पॉइंट करने लगती है, ठीक है। सो हम बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बिकम्स ऑपोजिट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, और वी कैन से द कंपास नीडल अलाइंस इटसेल्फ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कंक्लूजन क्या है हमारा, वॉट इज द कंक्लूजन, दैट ऑन चेंजिंग, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड। दीज आर द थ्री फैक्टर्स, ये वो तीनों फैक्टर्स हैं जिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये उसमें ये तीन फैक्टर्स हम बता रहे हैं, इन तीन फैक्टर्स पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ हाउ डू वी एग्जैक्टली नो दैट वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, के लिए हमारे पास एक बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, ठीक है। वी विल डिस्कस दैट रूल नाउ। टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वी हैव अ वेरी सिंपल रूल, हमारे पास एक बहुत सिंपल सा रूल है, विच वी कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल। It is known as the right hand thumb rule. What does this rule say? ये rule क्या कहता है? इसमें simply दो steps हमें लगानी होती है जिससे हमें direction जो है magnetic field की हर जगह पर मिलने लगती है, फिर हम बता सकते हैं हर जगह पर magnetic field किस direction में है, ठीक है। What does this rule say? The first step is that point your thumb in the direction of electric current. अपना हाथ हम इस तरह से बिल्कुल open रखें, ठीक है। Spread out all your fingers, spread out all your fingers and point the thumb in direction of electric current, ठीक है। ये हमारी सबसे पहली step होती है, point, spread out all the fingers and point the thumb in direction of current. Spread out all the fingers and point the thumb in direction of electric current. फिर सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप हमें क्या बताती है, दैट कर्ल योर फिंगर्स, इस तरह से हम हमारी फिंगर्स को बंद करने लगे, ठीक है, इस तरह से फिंगर्स को जो है कर्ल करने लगे, रोल करने लगे, कर्ल योर फिंगर्स, ठीक है, हम अपनी उंगलियां जो है वो इस तरह से घुमा लें, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ योर फिंगर्स gives the direction of magnetic field, ठीक है। The direction of curl of your fingers gives the direction of magnetic field.
the direction of curl of your fingers gives the direction of magnetic field. क्या मीनिंग है इसका, इससे हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं उसको देखें समझे. दैट इफ सपोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन है, देन पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ curl your fingers, this will be the direction of magnetic field. तो यहां पर जो magnetic field है वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगी. This will be how the direction of magnetic fields will be. ठीक है, magnetic field lines will be, this will be the direction of magnetic field. ठीक है, मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस तरह से अगर बोर्ड पर एक वायर रखा हुआ है जो ऊपर की तरफ, जिसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, देन यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकलेगी, घूमकर इधर जाएगी और फिर पीछे से होती हुई सर्कल कंप्लीट करके वापस बाहर आएगी. एंड दिस विल एग्जैक्टली बी हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो लुक. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो है वो इसी तरह से दिखेंगी. दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, एक चीज हमेशा यहां ध्यान रहे, राइट हैंड ही यूज करना है. लेफ्ट हैंड अगर यूज किया तो डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी. ठीक है, हमेशा ये ध्यान रहे राइट हैंड ही यूज करना है. ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, प्रॉब्लम पूछता हूं. दैट सपोज इस बोर्ड से बाहर, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एक वायर आ रहा है और उसमें करंट भी इसी तरह से बाहर की तरफ निकल रहा है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? विल इट बी क्लॉकवाइज और विल इट बी एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, इस तरह से बाहर एक वायर आ रहा है, उसमें करंट आ रहा है, एंड विल द मैग्नेटिक फील्ड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डेफिनेटली बी एंटी क्लॉकवाइज. हम जैसे ही अपना थंब पॉइंट करेंगे हम ये देखेंगे कि जो फिंगर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे. ठीक है, सो डेफिनेटली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज ही मिलेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड. एंड
अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा होता तो उल्टा हो जाता, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्लॉकवाइज हो जाती, ठीक है। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस रूल। ये इस तरह से हम इस रूल को अप्लाई करते हैं, इसको हम इस तरह के क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं। द क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर विल ऑल बी थ्योरेटिकल, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होंगे, जैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को डिस्क्राइब करना, किन फैक्टर्स पर ये करंट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, जब ये वायर जो है अगर इसको बेंड करके एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में बना दिया जाए, ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की दिखती है, किस तरह की हो जाती है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप में अगर करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। एंड देन फर्दर व्हाट विल बी द एप्लीकेशंस ऑफ दिस, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, फिर इस तरह के करंट कैरिंग वायर्स जब दूसरे मैग्नेट्स से इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट, और फिर अल्टीमेटली इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं, व्हाट इज अ मोटर, मोटर कैसे वर्क करती है, देन फाइनली जो लास्ट पार्ट होता है चैप्टर का, हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो प्रोसेस है क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर ले, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट, और फिर उसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम, ठीक है। बट द चैप्टर इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसमें सब इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स और उनके पीछे की थ्योरी, यही सारा पार्ट रहेगा, ठीक है। फाइन, सो आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करते हैं, यही खत्म करते हैं। आई थिंक इस पर बेस्ड शायद कुछ क्वेश्चंस हो बुक में, तो उनको अटेम्प्ट करके देख सकते हो, ठीक है। अभी तक जो जो हमने पढ़ा है उसको लेकर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे परसों के दिन, ठीक है। गुड बाय।